तो वेज पुलाव बनाने के लिए हमने ले ली है गोभी और आलू, मतलब जो भी वेजिटेबल अभी इस टाइम आ रही है मैंने वो सारी ले ली है और बहुत इजीली मिल जाएंगी आपको भी। और ये लिए थोड़ी सी सोयाबीन और शिमला मिर्च, गाजर, मटर और प्याज। तो ये सब्जियां आप काट के रेडी कर लें। चार सब्जी ये हैं और दो सब्जी ये है, यानी कि मैंने लिए छह सब्जी और ये सोयाबीन। और मैंने चावल को धो के अलग से रख लिया था 5 मिनट पहले। अब हम इसको सिंपली छौंक देंगे रिफाइंड ऑयल में, तो देखते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रिफाइंड ऑयल बिरयानी के लिए, या पुलाव भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, वेजिटेबल पुलाव या वेजिटेबल बिरयानी। तो मैं अंदाजे से ऑयल डाल रही हूँ सब्जियों के हिसाब से, जो भी आप आपको सही लगे। ऑयल के बाद मैं डालूंगी इसमें घी करीब 2 चम्मच। उसके बाद डालेंगे हम जीरा 1 बड़ा चम्मच, मैं अपनी ज़्यादातर डिश में जीरा बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जीरा चटक जाएगा। उसके बाद डालेंगे प्याज, प्याज को ज़्यादा देर में नहीं पकाना है, भूनना नहीं है। उसके बाद डालेंगे सोयाबीन, गोभी, आलू, दो तीन मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम डाल लेंगे अपनी बाकी की सब्जी, शिमला मिर्च, गाजर, मटर। क्या डालेंगे? 1 टमाटर, मेरे पास एक ही था, अगर आपको 2 टमाटर डालना तो आप 2 भी डाल सकते हैं। मसाले में डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 डालेंगे बिरयानी मसाला। अगर आपके पास बिरयानी मसाला ना हो तो आप इसमें मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें बिरयानी मसाला यूज़ करूँगी टेस्ट के लिए। करीब 2 चम्मच सब्जियों का कलर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। अगर आप और तीखा खाना है तो आप थोड़ी सी मिर्च और ऐड कर सकते हैं इसमें। बस अब हमको डाल देने हैं अपने चावल। मेरा लगभग कुकर भर गया है सब्जियों की वजह से, काफ़ी सब्जियां मैंने यूज़ करी है, क्योंकि अभी सर्दियों में जब सब्जियां मिल रही हैं तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएं।
उसके बाद इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी को आप हिसाब से डालें, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं पड़ेगा। पानी आप अपने अंदाज़े से डालें, आपका चावल जितना पानी मतलब आप डालते हो अपने चावल के हिसाब से। उसके बाद लास्ट में नमक, और इसमें मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच के करीब। मैंने डाला है 3 चम्मच नमक, और फिर इसका लगा देंगे ढक्कन और इसको 1 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी आने तक इसको पकाना है। हाई गैस पे इसमें 1 सीटी लगानी है। हमारी जो है वेजिटेबल पुलाव या वेजिटेबल बिरयानी बनकर तैयार है। तो हमारी बिरयानी जो है या वेज पुलाव, तो हमारा वेज पुलाव रेडी हो गया है। एक एक चावल अलग अलग, तो देखिए हमारी वेज बिरयानी है एकदम खिली खिली बनी है और सारी वेजिटेबल्स हैं खाने में। ये बहुत ही अम्मी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें बिरयानी जैसी, क्योंकि मैंने बिरयानी मसाला डाला था इसमें। अब आप इसमें ढेर सारा घी डाल के इसको खा सकते हैं। और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।